कितना कमाल का कलाम उन्होंने चंबल की कसम फिल्म के लिए लिखा, आज भी हमारी यादों में बसा हुआ है। एक फिल्म आई 1966 में बनी, और इस फिल्म के बाद जो सारा वो दौर था, शम्मी कपूर वाला जो चल रहा था, या राज कपूर की फिल्में चल रही थी, या राजकुमार की फिल्में, उनसे हटकर एक ताज़े चेहरे की ज़रूरत थी देश को, वो हमें मिला। हालांकि ये भी सच है कि ये फिल्म पहले बनी, ये पहली उनकी फिल्म थी, आई बाद में उसके पहले दूसरी उनकी फिल्म रिलीज हो गई थी, इसलिए ये कहा जाता है कि पहली फिल्म उनकी कोई और है, लेकिन दरअसल उन्होंने खुद स्वीकारा है कि ये उनकी पहली फिल्म है। बड़ी खूबसूरत सी एक कविता की मानिंद ये फिल्म थी। चेतन आनंद साहब जो बड़े बाकमाल इंसान थे, गुरुदेव तांगड़ी के गुरुकुल में उन्होंने पढ़ाई की थी, विदेश में रहे, बीबीसी में रहे, बलराज सहनी जैसे लोग, गुरुदत्त जैसे लोग उनके साथ रहे, बड़े अद्भुत क्रिएटर थे फिल्म क्राफ्ट के वो। तो उन्होंने ये फिल्म बनाई, और देखिए किस तरह से ये गाना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी छाया गीत से, या किसी भी भूले बिसरे गीत से, या किसी भी पसंदीदा मन चाहे गीत से ये चूका हो। बिना का गीतमाला में तो खैर ये पहली पायदान पर चला ही था। लता जी, संतूर, राग पहाड़ी, खय्याम साहब, और देखिए क्या करिश्माई शायरी है, इसको महसूस कीजिए। इस बार हैं आपसे रूबरू कैफी आज़मी साहब, सुनिए।